फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। तो मैं किस तरह से और कौन कौन चीज़ों से बनाऊंगी, तो बने रहिए मेरे चैनल। तो गुलाब जामुन बनाने से पहले हमें चाहिए चाशनी। तो चाशनी के लिए हमने 500 ग्राम चीनी ली है। तो गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए हमें बड़े साइज का बर्तन चाहिए। तो हमने फैला हुआ बड़े साइज का मिक्सी बाउल ले लिया है। तो इसमें हम डालेंगे 500 ग्राम चीनी। अब डालेंगे इसमें पानी, ये 250 ग्राम पानी है। तो इसमें डालेंगे 4 हरी इलायची, 2 लौंगे। तो मैं आ चुकी हूँ गैस के पास। तो गैस जलाकर हमने बाउल को रख दिया है गैस के ऊपर। तो चाशनी बनने के लिए हमने रख दिया है। तो एक बार इसको हम चलाएंगे। कढ़ाई को हमने रख दिया इंडक्शन के ऊपर गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो इसमें एक चम्मच हम घी डाल ले हैं। तो घी पिघल गया है। तो इसमें एक गिलास हम दूध डाल ले हैं। तो दूध को अब हम चलाएंगे एक बॉयल आने तक। लोग देख सकते हैं दूध में वाल आ चुका है। तो बस एक बार हमने चला दिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी सूजी। गैस की फ्लेम को कर दे रहे हैं धीमा। बस इसी तरह से हमें चलाना है 1 से 2 मिनट तक। जब ये गाढ़ा हो जाए तब गैस की फ्लेम को बंद कर दें। आप लोग देख सकते हैं 1 से 2 मिनट में दूध और सूजी में बिल्कुल मिक्स होकर टाइट हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल टाइट हो चुका है आटे की डो की तरह। तो बस अब इसको हम थाली में निकाले ले रहे हैं। तो सूजी को हमने कढ़ाई से निकाल लिया है। ये देखिए बिल्कुल टाइट हो गया है। तो इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ दे रहे हैं कम से 2 से 3 मिनट तक। तो मैं आ चुकी हूँ गैस के पास चाशनी को चेक करने के लिए, जब तक हमारी सूजी ठंडी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं चाशनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इधर हमारी सूजी भी ठंडी हो गई। तो इसको हमें 2-4 मुक्कियाँ लगाकर इसका अच्छा सा डो बनाना है। अब इसमें हम डालेंगे मावा यानी खोया। तो हमने 2 चम्मच बड़े बड़े खोया ले लिया है। मावे को इस तरह से हमें कुछ मिक्स करना है सूजी में। तो इस तरह से हम मिक्स करेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं मावा और सूजी को एक ही में मिक्स करे हुए। तो अच्छा सा डो हम इसका लगाए दे रहे हैं कम से कम 2 मिनट के लिए। हम अब रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो फिर से हम इसको एक बार इस तरह से करके तिहाई भाग हमको लेना है। ये हमने ले लिया है और बाकी साइड में करे दे रहे हैं। तो इसमें हम डालेंगे कलर फूड। तो हम कलर फूड ले रहे हैं ऑरेंज कलर का। तो इसको हमने इस तरह से फिर से मिलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल ऑरेंज की कलर में हमें करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कलर डालने के बाद में बिल्कुल ऑरेंज की तरह हो गया। तो इसको भी हम छोटा सा डो लगाकर साइड में करते हैं और हाथ को करते हैं साफ। तो हाथ साफ करके हम आ चुके हैं। थोड़ी सी हमने रख ली है किशमिश। तो बस शुरू करते हैं रसगुल्ले बनाने के लिए। तो हम पहले बनाएंगे छोटी छोटी गोलियाँ ऐसी, बहुत कम छोटी सी। ये देखिए तो इतनी साइज की हमें लेना है। इसके अंदर हमें रखना है एक किशमिश इस तरह से। इसका मुंह बंद करके फिर से हमें गोल गोल तो सारी इसकी बना ले। इसके बाद में हम फिर बताएंगे किस तरह से रसगुल्ले दोबारा बनाएंगे। तो रसगुल्ले हमारे छोटे छोटे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमको इसका दूसरा लुक देना है। तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं फिर से। बिल्कुल हलवाई जैसे हम रसगुल्ले बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो मैंने ले लिया थोड़ा सा सूजी वाला जो मिश्रण बनाया है, इसको इस तरह से हमने गोल किया है। गोल करने के बाद में जो हमने पहले रसगुल्ला ऑरेंज कलर का बनाया वो रख रहे हैं। इसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर कर दिया है और बाद में हथेली के जरिए से इस तरह से हम घुमा घुमा के गोल बना रहे हैं। ये देखिए तो रसगुल्ला हमारा बनकर तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से सारे रसगुल्ले हम बना रहे हैं। तो रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम करेंगे फ्राई। मैं आ चुकी हूँ गैस के पास। तो गैस जलाकर कढ़ाई को रख दिया हमने गैस के ऊपर। उसमें डाल दिया रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए। तो रिफाइंड ऑयल में हम डाल लें 1 चम्मच देसी घी, जिससे रिफाइंड में खुशबू अच्छी से आ जाए देसी घी का। रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। तो इसमें हम रसगुल्ले एक एक करके डाले दे रहे हैं फ्राई करने के लिए। और धीमी आंच में हमें फ्राई करना है। तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक। आप लोग देख सकते हैं रसगुल्लों का कलर चेंज होने लगा है। तो कम से कम 2 से या 3 मिनट तक हमको इसी तरह से फ्राई करना है धीमी आंच में। तो बहुत आसानी से हमको इनको उलट पुलट करना है। तो रसगुल्लों का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इनको निकाले ले रहे हैं। ये देखिए तो फ्राई करे हुए रसगुल्ले हम चाशनी में डाले दे रहे हैं। तो चाशनी में डिप हो जाएं और अच्छी तरह से ये फूल जाएं।
सारे रसगुल्ले बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अगर आज की आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अपनी वीडियो को एंड करने के। तो रसगुल्ले बनाने के बाद में चाशनी में हमने कम से कम आध घंटे के लिए रेस्ट किए, छोड़ दिए थे। तो रसगुल्ले हमारे अच्छी तरह से फूल चुके हैं और हमने एक बाउल में करके रख दिए। आप लोग देख सकते हैं रसगुल्ले हमारे कितने अच्छे और प्यारे लग रहे हैं। तो बस आपको एक बार चेक करके दिखा दें कि हमारे रसगुल्ले आज के कैसे बने हैं। तो आप लोग देखिए कितने बढ़िया जूसी रसगुल्ले हमारे बनके तैयार हुए। ये देखिए कितने फूले फूले। तो एक बार आपको चम्मच से चेक करके दिखा रहे हैं। तो एक रसगुल्ला हमने उठाकर कटोरी में निकाल लिया है, तो आप लोगों को एक बार चेक करके दिखा दें। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसे हम बने हैं कि नहीं बने हैं, तो आप लोगों को दिखाएँ। रसगुल्ले बनाइएगा, बहुत टेस्टी बहुत लाजवाब बनते हैं। जो हिंदू भाई बहन मेरे रसगुल्ले बने हुए देख रहे हैं, तो दीपावली पर ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। और ये देखिए कितने फूले फूले बने। तो चलते हैं अपनी वीडियो को एंड करने के लिए। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।